एवरीवन, माय नेम इज सोबिया फातिमा, एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल स्टूडेंट फ्रॉम नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। और आज मेरे साथ हमारे गेस्ट हिमांशु राज अवस्थी जुड़े हैं, जो फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इससे पहले कि हिमांशु कुछ अपने बारे में बताएं, मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि उनका एक बहुत ही पॉपुलर पेज है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम है बींग डॉक्टर। आई एम श्योर कि आपने भी इस पेज का नाम सुना होगा। उसके अलावा हिमांशु ने हाल में ही अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है बींग डॉक्टर, जिसमें फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हैं एंड कंटेंट्स हैं जो उन्हें चाहिए। और इसके साथ ही वो क्विजेस भी उसमें ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। और इनकी एक मर्चेंडाइज भी है जिन्होंने अभी खुद पहनी हुई है, वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये टी शर्ट्स बनाई गई हैं। तो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट की एक बहुत ही अचीवमेंट की बात है कि आज हिमांशु हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। सो हिमांशु, प्लीज़ आप बताइए हमें कि आपका सिलेक्शन कब और कैसे हुआ आई एम एस बी एच यू में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सोबिया फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैंने 2016 में नीट दिया था और उसमें मेरे मार्क्स 585 के अप्रॉक्स में थे और रैंक 530 थी। तो फर्स्ट राउंड में तो मुझे पीएमसीएस मिला था पटना। देन मैं उस टाइम बीएचयू के लिए अलग से फॉर्म आता था, तो मैंने वो फिल किया था। फिर मुझे बीएचयू की फर्स्ट काउंसलिंग में मैंने बीएचयू ऑप्ट कर लिया। तो फिर इस तरीके से मैं बीएचयू में आ गया और अब फाइनल ईयर में हूँ। सो आप प्लीज़ जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि अभी बीएचयू की फ़ीस कितनी है, वो बहुत लोग जानने के लिए मतलब उत्सुक है। बीएचयू की जो फीस, जब मैं आया था 2016 में, तो उस टाइम जो फर्स्ट ईयर की फीस थी वो थी 14,000 और उसके बाद से जो सेकेंड ईयर की फ़ी होती है वो होती है 8,000। लेकिन अभी थोड़ा फी हाइक हुआ है लाइक 1 or 2 years बैक, तो उस टाइम से फी हो गई 29,000 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर वो फी हो जाएगी 24,000 to 25,000। अच्छा, तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि अब आप जैसे कि फाइनल ईयर में आ चुके हैं, तो आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके होंगे अपने कॉलेज में, तो प्लीज हमें बताइए कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसा रहा, आपकी जर्नी कैसी रही इस कॉलेज में और कैसा है ये कॉलेज सब कुछ। फर्स्टली तो लाइक बीइंग इन बीएचयू एंड बीइंग वाराणसी इज लाइक अ ब्लेसिंग। तो काफी होली सिटी है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। और बीएचयू, आई मीन बीएचयू वाज माय ड्रीम कॉलेज आल्सो, तो यहाँ आके बिल्कुल अच्छा ही लगा। बहुत क्यूट है। हाँ, तो जब वो मुझे मिला तो बहुत खुशी हुई कि चलो मिल गया, अभी लाइफ सेट है। तो लाइक फर्स्ट ईयर तो सबको पता है थोड़ा सा लाइक होता है उसमें स्ट्रगल्स वगैरह, तो ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर यहाँ बहुत ज़्यादा एक तरह रैगिंग वगैरह का सीन है। सीनियर तो यहाँ के बहुत बहुत फ्रेंडली है, तो जैसे रैगिंग को कह सकते हैं कि 1% है, इंट्रैक्शन कह सकते हैं बेसिकली। ऐसा कुछ फिजिकली ऐसा कुछ नहीं था, लाइक इंट्रोडक्शन एंड इंट्रैक्शन वगैरह होते थे। तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का माहौल और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सीनियर्स वगैरह बहुत हेल्प करते थे और जैसा सुन रखा था वगैरह रैगिंग वगैरह का वैसा नहीं था। तो फर्स्ट ईयर इस तरीके से कैडेबल वगैरह काफ़ी अच्छा रहा, सबके लिए अच्छा होता है ना, मेमोरेबल होता है फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर से पोस्टिंग वगैरह हुई, तो यहाँ लाइक पेशेंट लोड भी बहुत अच्छा है और केसेज भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो सीखने को काफी कुछ अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से बस फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर भी हो गया एंड आई अभी बस फाइनल ईयर चल रहा है, तो बस लॉकडाउन और फेस्ट ये सब ऑर्गेनाइज होता है। और क्या मतलब, मैं कह रही हूँ कि जितना भी फेस्ट ये सब ऑर्गेनाइज होता है। हाँ, फेस्ट वगैरह तो एक तो जैसे यहाँ पे हो जाता है कि जो आईएमएस मेरा जो अपना कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ पे फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं एनुअली और स्पोर्ट्स वीक्स वगैरह होते हैं। और बीएचयू में होने का एक और ये फायदा है कि दूसरे कॉलेज बहुत ज्यादा है, तो इस लाइक बीएचयू जो कैंपस ना, तो बीएचयू कैंपस में तो दूसरे कॉलेजेस है जैसे आईआईटी हो गया और अदर कॉलेजेस हो गए, तो उनके भी फेस्ट हम लोग अटेंड करते हैं, वहाँ भी तो फेस्ट होते हैं। तो लाइक बीएचयू जो लाइक फैमिली बहुत इंटरेक्शन अच्छा हो जाता होगा सबके साथ, फिर उनके फेस्ट करना, तो ये बहुत अच्छा एक वो मिलता है हमें और अटेंड करने का। और फिर या सिटी भी काफी अच्छी है, तो ये भी फायदा है। और हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है वहाँ की? हॉस्टल फैसिलिटीज भी काफ़ी अच्छी है, जितना मैंने सुना था कि उससे काफ़ी मुझे अच्छा लगा। लाइक जो फर्स्ट ईयर है उसमें हम लोग फर्स्ट ईयर से 2 students पर रूम होता है और खाना जो है मेस वगैरह भी काफ़ी अच्छे होते हैं। जो हमारा हॉस्टल फी है वो तो उसी में इंक्लूड होता है कॉलेज फी में, और फर्स्ट ईयर से लाइक सेकंड रूम होता है, उसके बाद फाइनल ईयर से या थर्ड ईयर के बाद से वहाँ से हमें सिंगल रूम मिल जाता है, थर्ड ईयर मिड से या फाइनल ईयर से सिंगल रूम, तो उसका सिंगल रूम रहता है हमारा। तो पढ़ाई में काफ़ी ठीक रहता है, लाइक जो सिंगल रूम होता है वहाँ अपने हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो, अपनी रूटीन मेंटेन कर सकते हो। हाँ।
तो हिमांशु आप मुझे बताइए कि कैसी किस टाइप की क्लासेस चलती हैं, कैसे टीचर्स होते हैं और कितने सीट्स होते हैं एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए, वो सब जानना चाहते हैं। आईएमएस बीएसयू में लाइक जब मैं एडमिट यहाँ एडमिशन लिया था मैंने, तब उस टाइम 84 सीट्स थी, बट पिछले दो साल में यहाँ सीट्स बढ़ी है, हर कॉलेज की सीट बढ़ी है, लाइक 15% सीट्स तो बढ़ी है, तो यहाँ पे अब 100 सीट्स है, और 100 सीट्स में जो 4 सीट्स होती है वो होती है लाइक वो जो फॉरनर जो होते हैं उनके लिए होती है, और 96 सीट्स है वो होती है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो वो कॉलेज का मतलब कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है, लाइक जो क्लासरूम वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, जो प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लाइक बहुत मॉडर्नाइज है, अच्छी वहाँ जो कैडेवर्स यहाँ होता है, लाइक फर्स्ट ईयर में जो हमें कैडेवर मिलता है वो पर हमारा जो टेबल होता है वो 12 लोगों का होता है, तो 12 स्टूडेंट्स पे एक हमें कैडेवर प्रोवाइड होता है, और इस तरीके से मतलब फिजियो का लैब हो या कोई भी लैब हो तो यहाँ फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी है, लैब्स के लिए लाइब्रेरी है, तो मतलब एक्स्ट्रा लाइक फील्ड है, तो आप वहाँ ग्राउंड में इवनिंग में खेल वगैरह सकते हो, तो लाइक जो भी है तो यहाँ पे लाइक सारी फैसिलिटीज है, पढ़ाई से लेके आप अगर एकेडमिक्स है या इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है उसके लिए बहुत सही है। तो हिमांशु आप इतने अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, तो सब लोग जानना चाहते हैं और मैं खुद जानना चाहती हूं कि आपने तैयारी कैसे की थी, कहां से की थी और आपकी कैसी स्ट्रैटेजी रही थी, आप ब्रीफ में प्लीज बताना चाहें तो। मैंने जो प्रिपरेशन करी थी वो मैंने एलन से करी थी, एलन कोटा से, तो वहाँ पे एलन वैसे भी काफ़ी नोन है, फेमस है, सब जानते हैं, बहुत अच्छी वहाँ प्रिपरेशन होती है, तो बेसिकली जब मैं एलन में था तो वहाँ पे जो उनकी क्लासेस वगैरह होती थी वो डेली अटेंड करना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो क्लासेस वहाँ अटेंड करते हो वो डेली अटेंड करो, लेकिन ये नहीं कि अगर आपको कोई चैप्टर आता है या आपको कोई टॉपिक अच्छे से आता है तो आप उसको छोड़ दो, या तो क्लासेस आपको डेली अटेंड करनी चाहिए, जो वहाँ के टेस्ट थे तो वो मैं रेगुलर टेस्ट देता था, मैंने ऑनेस्टली कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी थी, जो एलन वगैरह प्रोवाइड करते थे वो मैंने पढ़ा, उनके एग्जाम्स वगैरह दिए, उसी पैटर्न पे मैं चलता रहा, और ये है कि जो एलन में आप जब रह रहे होते हो तो आपको लाइक बहुत सारा मतलब सोशल मीडिया को अवॉइड करना होगा, और जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना आपको, अगर आपको रैंक लाना है कॉम्पिटिशन तो और ज़्यादा टफ होता जा रहा है, लाइक हमारे टाइम में 550 पे बीएचयू मिल जा रहा था, और मतलब 500 तक में तो कोई भी कॉलेज मतलब अच्छा खासा कॉलेज 500 पे मिल जा रहा था, स्टेट में AI कुछ मिल जा रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सीन चेंज हो गया, तो लाइक 600 तक 600 तक नंबर लाने पर तब जाके कॉलेज मिल पा रहा है, तो कॉम्पिटिशन जैसा लोग बढ़ रहे कॉम्पिटिशन टफ होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बार आपके कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ तो बहुत हाई हो गया है इस साल, स्पेशली इस साल। कट ऑफ में ऐसा है कि लाइक जो रैंक वगैरह सब लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि कट ऑफ तो चेंज हो सकता है लेकिन रैंक हाँ वही तो लेकिन रैंक हाँ, तो मेरे टाइम में जो कट ऑफ था वो जो मतलब 550 से आ रहा था, तो रैंक जो होती थी वो 1000 रैंक तक मिल जाती थी, जनरल ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो जनरल की बात करें तो 600-800 तक हो जाता है, मॉपअप राउंड में थोड़ा आगे बढ़ सकता है, वो थोड़ा वैरी करता है, लेकिन जो वैसे जनरल है 600-800 रैंक जो होती है जनरल की, लेकिन अभी क्या है जो अब जो एग्जाम्स होने लगे हैं उसमें जो नीट में एम्स हो गए, जिपमर हो गए, तो सारे कॉलेजेस इंक्लूड हो गए, तो इसमें क्या है कि जो अभी थोड़ा रैंक लाइक थोड़ा सा सीट बढ़ सकता है रैंक हाँ, तो इस बार से थोड़ा सा कुछ लोग दिल्ली ले लेंगे ऑप्ट कर लेंगे, कुछ लोग जिपमर ऑप्ट कर सकते हैं, तो अभी क्या है कि और फिर इसका अलग से कोई काउंसलिंग नहीं होता, बीएचयू का काउंसलिंग सीम होता है, तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, थोड़ा सा मेरे ख्याल से लाइक 800 तक जो जनरल की जाती थी वो मे बी 1400 तक जा सके, 1200-1400 तक जाएगी इसकी जनरल की, और मॉपअप राउंड में थोड़ा वेरी कर सकता है वो, उसका कोई श्योर नहीं है, लेकिन जो जनरल काउंसलिंग होती है उसमें 1200-1500 आई थिंक मैक्स, उससे ऊपर जनरल के लिए नहीं मिलेगा, और अगर उससे 200-300 रैंक अगर बढ़ा लेते तो ओबीसी के लिए तो इतना जाता है, लाइक अगर 2000 के अंदर रैंक है तो भी आपका हो सकता है बीएचयू में एडमिशन आईएमएस में, वरना आईएमएस में नहीं हो पाएगा। सो मैंने हिमांशु आपसे बहुत कुछ जान लिया, बट मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी जाननी है वो ये है कि अभी आपका पढ़ाई चल रहा है जो इतना इम्पॉर्टेंट आप फाइनल ईयर में है, बट आप उसके साथ इतने सारी चीज़ें साइड में भी मैनेज कर रहे हैं, तो आपको हेक्टिक नहीं लगता, आप कैसे आकर मैनेज कर सकते हैं, प्लीज़ अपना ये मंत्र बताइए हमें भी। लाइक ये है कि हाँ MBBS अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, नो डाउट, और पढ़ाई का मतलब ये है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो भी है सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पढ़ाई के अलावा
टाइम मिल जाता है, लाइक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि हम लाइक 24 आवर्स कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं, तो टाइम निकाल के मतलब प्रोडक्टिव चीज में लगा। अगर आप टाइम निकालते हो तो या तो आप बस ऐसे ही घूम सकते हो या कहीं टाइम वेस्ट कर सकते हो या कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, और काफी लोग कर भी रहे हैं। तो जब पढ़ाई का होता है अपन क्लास वगैरह कर लिया और जो क्लासेस के वर्क है वो कर लिए, तो मैंने जो अपना अकाउंट बनाया था सोशल मीडिया अकाउंट बिंग डॉक्टर्स के लिए, वो बेसिकली इसलिए बनाया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे ऐसा लगा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जिसपे वो अपनी चीजें शेयर कर सके। लाइक ऐसा जो हेक्टिक सा हमारा शेड्यूल है, हमारी जो पढ़ाई है, उससे थोड़ा रिलैक्स होने के लिए या थोड़ा फनी चीज हम शेयर कर सकते हैं जिससे थोड़े लोग मेडिकल स्टूडेंट थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं, या अगर कोई इंसिडेंट वगैरह होते हैं किसी कॉलेज में, कुछ हम जैसे देखते हैं सॉल्ट ऑन डॉक्टर्स वगैरह कुछ भी इश्यूज होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा उनको हम लोग हाईलाइट कर सके मीडिया में, ताकि वो चीजें आ सके। तो बेसिकली ये था मेरा गोल कि हाँ, इसलिए मैं एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाता हूँ। तो उसका ग्रोथ काफी अच्छा था, लाइक फर्स्ट ईयर में ही मैंने बना लिया था, तो अभी तो उसमें काफी अच्छा 150K के प्रोडक्ट्स है फॉलोअर, फिर इंस्टाग्राम पे भी है। तो मैंने सोचा कि अभी वो मैं मैनेज कर ले रहा था, लाइक पढ़ाई के साथ वो चीजें चल जा रही थी, मुझे बहुत ज्यादा वो दिक्कत नहीं हो रही थी, पढ़ाई कर लेता, और ये क्योंकि इसलिए मैं कंटिन्यू कर पा रहा था क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड है, मतलब जो हम मेडिकल से पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड मीम्स है, उससे रिलेटेड जो स्टडी कंटेंट्स है, तो वही सारी चीजें होती थी। तो अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ और नेक्स्ट ईयर इंटर्न होगा, फिर लग MBBS का यूजी छूट जाएगा। तो लाइक ये जो पेज था मेरा तो बेसिकली नीम से रिलेटेड था, तो मैंने सोचा लाइक इसको कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि ये चीजें चलती रहे, लोगों को और स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। तो अभी आपका जो ऐप है वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, एक तरह से बहुत हेल्पफुल होगा वो सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो वो जो ऐप बनाया इसलिए कि ताकि उस पर जो फर्स्ट ईयर MBBS से लेके जो फाइनल ईयर MBBS है उनके लिए सारी चीजें मिल सके, लाइक जो उनको चीजें जो भी उनको जरूरत पड़ती है उनके एकेडमिक्स पर्पस के लिए, उसमें मीम्स वगैरह नहीं होगी, कोई फनी चीजें नहीं है उस पर, जिसमें बेसिकली सिर्फ एकेडमिक की चीजें होगी, लाइक आपके जो प्रीवियस पेपर हो जाते हैं, थ्योरी के लिए जो आपके नोट्स वगैरह है, जो आपको चीजें वाइवा में जरूरत पड़ती है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह, एंड प्रैक्टिकल्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है या जो स्पेसिफिक स्लाइड्स है, एंटीमोनिक्स वगैरह हो गए, प्रैक्टिकल्स की जो परफॉर्म है, केस स्टडीज हो गई, तो ये सब चीजें मैं सोच रहा हूँ उस पर अगर अपलोड हो जाती है, एक बार सारी चीजें अगर आ जाती है तो ये काफी लॉन्ग टर्म के लोग हेल्प करेगी, क्योंकि मेडिकल का जो सिलेबस है वो डेली चेंज हो नहीं रहा, तो जो क्लिनिकल केसेज है उस पर ऐसा होगा परफॉर्म की मतलब लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं, लोग अपने केस स्टडी को शेयर कर सकते हैं, क्लिनिकल केसेज डाल सकते हैं, कैसे केस हिस्ट्री टेकिंग है वो सीख सकते हैं। तो बेसिकली पूरा एक पैकेज मैं सोच रहा हूँ उस पर अगर हो जाता है तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, फर्स्ट टू फाइनल सबके लिए, और अगर पीजी प्रिपरेशन के व्यू से उस पर MCQ वगैरह डाल सकते हैं ताकि उस पर इस पर हेल्प हो जाए। टाइम के साथ ग्रो ही करेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ, टाइम के साथ और बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। हाँ बेसिकली यही है कि हमारा ये मतलब गोल कि हाँ लोगों को हेल्प होनी चाहिए उससे, ताकि मतलब जो वो खुद वो जब खुद यूज करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ ये हेल्पफुल है, वो दूसरों को भी प्रिफर करेंगे कि लाइक वो यूज कर सकते हैं। काफी लोगों का फीडबैक आते हैं कि उनके जो एग्जाम्स वगैरह और थे, जो उनके प्रैक्टिकल्स हो रहे थे, तो उसमें जैसे उनको स्लाइड्स वगैरह देखने थे, तो उनसे वो अच्छे से रिविजन कर रहे हैं, उन्हें हम मोबाइल में हमेशा डाउनलोड करना या सीनियर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उनके मोबाइल में हमेशा होगा वो कंटेंट, वो कभी भी देख सकते हैं, कभी भी चेक कर सकते हैं, और अब तो उनके फ्री रखा है क्योंकि इससे कुछ वो नहीं है। हाँ मेन तो वही है कि फ्री है, कि हाँ बहुत जगह मुझे पेमेंट करनी होती है। सो हिमांशु आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया, आपके इतने हेक्टिक शेड्यूल में भी टाइम निकाला आपने हमारे लिए, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे व्यूअर्स को भी इतना सब कुछ बताया, तो थैंक यू आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत अच्छा तुम कर रही हो, लाइक ये सब चीज़ें जो मेडिकल स्टूडेंट से इंट्रैक्ट करके वीडियोस बनाना, लोगों को बताना, लाइक इससे ना सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट लाइक जो प्री जो एग्जाम दे रहे हैं उनको भी हेल्प होती है, तो थैंक यू। थैंक यू, ठीक है।